मिनिमम 5 आइटम चाहिए बियोक्यूबिट के लिए। 5 आइटम से नीचे बियोक्यूबिट नहीं बनता है। बियोक्यूबिट कैसे बनाओगे? देखो यहाँ से ब्राउज बियोक्यूब बेस्ड बिल्डिंग, कम से कम 5 आइटम चाहिए। यहाँ क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, क्या आइटम है? जैसे जिम का आइटम है सर का, तो जिम बोल के डाल देते हैं। क्या भी नाम डाल दो आपके पहचान के लिए, एड मोर जिम इक्विपमेंट। यहाँ पे कुछ भी किस कोई भी चीज चूज मत करो, कोई भी चीज चूज मत करो, ठीक है? मैंने इक्विपमेंट डाल दिया पर चूज मत करो। यहाँ करो डिडेंट फाइंड माई कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर, यस आई सर्टिफाई। इसको करो जनरेट रिपोर्ट एंड यस बैक टू इंडेक्स। हो गया, एक कैटेगरी बन गया। एक फिर से आता हूं, देखो इसको समझो। डैशबोर्ड में जाओ, ब्राउज में जाओ, बीओक्यू बेस्ड बिडिंग, ये आपके आगे। यहां पे आपका एक नया मैनुअल रिपोर्ट बनाने का, इसको यहाँ पे मैनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, चूज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो क्रिएट बीओक्यू बेस्ड बिडिंग यहाँ पे क्लिक करने का। सर 1 मिनट है। डैशबोर्ड में जाएंगे, बीओक्यू बेस्ड बिडिंग, मीनाक्षी मैडम आप अपना आईडी पब्लिकली शेयर कर रहे हैं, मत शेयर कीजिए। बीओक्यू बेस्ड बिडिंग यहाँ पे करना है, क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, कोई भी एक नाम डाल दीजिए मुझे। डेस्कटॉप कंप्यूटर का डेटा नंबर, डेस्कटॉप या कोई भी आइटम का, ऑफिस ऑफिस आइटम बोल के जो भी आपको एक नाम देना है खाली। एड मोर क्या बनाना है, कोई भी एक आइटम उसमें से ले लीजिए। डेस्कटॉप यहाँ पे किसी को चूज नहीं करना है। डिडंट फाइंड माई कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर पे क्लिक करना है इसको, यस आई सर्टिफाई, जनरेट रिपोर्ट और इसको यस। हो गया, ये होने के बाद बैक टू इंडेक्स, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाए ऑफिस आइटम। अब इसमें हम टेंडर बना सकते हैं या जिम का, तो जिम का बना सकते। अब इसमें आ जाएगा क्रिएट बीओक्यू बेस्ड बिल्डिंग, दिखा गया यहाँ पे आप क्लिक करना। आई एग्री, इसको क्रिएट रिलेवेंट रिलेटेड कैटेगरी। अब ये कैटेगरी आपको चूज करना है, ठीक है? अब चूज करते वक्त आप यदि डाल देते हैं जैसे जिम का चाहिए तो जिम इक्विपमेंट बोल के डाल देते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे जैसे ही जिम इक्विपमेंट कैटेगरी। जैसे आप इसको चूज करके टेंडर बनाएंगे, इस तरीके का जिम का जो भी प्रोडक्ट जिसने जिसने डाला है, ये टेंडर सबको नोटिफिकेशन भेज देगा, जिम खुद। अब जब नोटिफिकेशन ही भेज देगा तो फिर आप ये टेंडर मैनेज कैसे करोगे? कोई ना कोई तो टेंडर भरेगा ही ऑल ओवर इंडिया से। तो ये नोटिफिकेशन ना जाए तो क्या करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन चला गया तो आप क्या भी कर दो टेंडर में, टेंडर तो मैनेज करने से नहीं रोक पाओगे, और ये जेम खुद करता है, यहां तो किसी का कोई हाथ ही नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन नहीं जाने के लिए आपको एक कैटेगरी सजेस्ट करता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कैटेगरी कब तक रहेगा, जब तक जेम पे है तब तक यूज कर सकते हो, बंद हो गया तो बंद। ये कैटेगरी है 11 जनवरी 2056, एकदम फर्स्ट में। ये कैटेगरी टेस्ट कैटेगरी, इसमें कोई कैटलॉग नहीं है। हो गया, ओके कर दो। अब ये नोटिफिकेशन किसी को नहीं जाएगा, आप इससे नोटिफिकेशन आपका बंद। अब नोटिफिकेशन बंद तो बहुत हद तक टेंडर यहीं पर मैनेज हो गया। जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो लोगों को पता कम चलेगा। अब जिसको पता चलेगा ये टेंडर के बारे में, टेंडर सर्च करके ही पता चलेगा, जो टेंडर को सर्च करेंगे। अब सर्च करने से रोकने, सर्च में इजीली ना मिले टेंडर उसके लिए क्या करना है, ताकि सर्च में भी ना मिले टेंडर, तो उसके लिए हम आगे काम करेंगे। देखो अपलोड स्पेसिफिकेशन,
आपको प्रोडक्ट जो चाहिए उसका स्पेसिफिकेशन का एक पीडीएफ फाइल बनाओ कैटलॉग का और उसको अपलोड कर दो। एक पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड कर दिया, अब यहां से करो डाउनलोड सैंपल फाइल। अब आइटम का नाम, आइटम का नाम डालना है, टाइटल। अब क्या डालेंगे टाइटल में जाके टेंडर सर्च में ना मिले। अब क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए आप? तो मुझे चाहिए आउटडोर जिम के रिगार्डिंग इक्विपमेंट, आउटडोर जिम इक्विपमेंट। क्या क्या चाहिए लिस्ट है आपके पास? एयर वर्कर चाहिए मान लो, तो आप डायरेक्ट एयर वर्कर मत डाल, एयर वर्कर का सिनोनिम्स ढूंढो ताकि लोग इजीली उसको पता ना पड़ पाए। एयर वर्कर बोल के बहुत सारे लोग टेंडर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इसको अलग से और क्या बोलते हैं, हाइकर सिनोनिम्स में। तो आप ऐसे नाम यूज करो ताकि किसी को कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाएगा और आपका टेंडर भी मैनेज कर सकते हैं। अब हाइकर बोल के कितने लोग सर्च करने वाले हैं? बहुत नहीं के बराबर। डिस्क्रिप्शन में डाल दो एयर वर्कर चाहिए, जैसा चाहिए वो डिटेल डालो। यहां से टेंडर सर्च नहीं होता, यहां से टेंडर सर्च। कितना पीस चाहिए आपको? 5 पीस चाहिए। यहाँ पे कंसाइनी का आईडी, मतलब जो लॉगिन आईडी है उनका, या कंसाइनी का। तो मेरा मीना भगतपुर, देखो ये कैपिटल हो गया, ये भी नहीं चलेगा, सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। डिलीवरी पीरियड 15 डेज। हो गया टाइटल टू। और क्या चाहिए आपको? एयर वर्कर छोड़ के मुझे चाहिए ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, लेग स्ट्रेचर। लेग स्ट्रेचर, लेग स्ट्रेचर चाहिए, इसको थोड़ा नाम चेंज करके डाल सकते, ये इतना बड़ा बड़ा आ गया है। लेग स्ट्रेचर ठीक है, लेग स्ट्रेचर डाल दिया। अब ऐसे नाम डालेंगे तो इजीली सर्च हो सकता है, इसके भी सिनोनिम डाल सकते हो। एक हो गया, थर्ड और क्या चाहिए? 5 आइटम तो लेना पड़ेगा, जैसे पोस्चर, इसमें भी थोड़ा और भी चीजें बताता हूँ। पोस्चर अब इसमें आई है, आई को थोड़ा बदल सकते हो, पोस्चर है। यदि इसमें आपको नहीं मिल रहा है सिनोनिम्स तो आई को 1 में कर दो। अब इसको कैपिटल में डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, ये आई है ना, अब आई को यदि 1 करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता, पर ये टेंडर में सर्च में नहीं मिलेगा, ऐसा कर सकते हो। और क्या आइटम है देखो, शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस। अब इसमें मुझे नहीं मिल रहा है शोल्डर प्रेस में, तो हम इसको थोड़ा सा नाम और भी इसमें, जैसे OK0 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यस यस, देखो ये सब आपको ऐसे यूज नहीं करना है कि कभी भी कैसे भी यूज कर लिया, ये बायर से सजेस्ट करके ही करना है ताकि बायर को भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से, बायर मानता है तो ही करना है। अब यहाँ पे सॉफ्ट वर्ड बोलते हैं, अब इसमें आप सिचुएशन के हिसाब से करो कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो यूज करो। अब ये आइटम है आपका, अब ये मुझे डालना है
हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं थोड़ा, एक स्पेस डाल डाल के, तो भी ये टेंडर को सर्च नहीं करेगा। ऐसे डाल दो तो भी ये सर्च में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आइटम अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, सर्च में मिलेगा भी नहीं और आपका टेंडर भी बनेगा। कितना आइटम चाहिए, ये 5 चाहिए, ये 6 चाहिए, ये 10 चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 3 चाहिए। पीसेस में ही है यूनिट, तो पीसेस में अलग यूनिट रहेगा तो अलग यूनिट कर सकते हो। यहाँ पे कंसाइनिंग आईडी भी सेम, डिलीवरी 15 डेज। हो गया तैयार। भवानी सिंह, सर, जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे आइटम के नाम अलग अलग चेंज करके लिखने हैं, तो जैसे कोई डिपार्टमेंट, अब मैं आर्मी में काम करता हूँ, आर्मी एफएसओ काम करता हूँ, तो फिर वहां से वो फाइल जाती है आईएफए जाती है, मैंने तो ऐसा आईएफए। नहीं बोला, मेरी बात क्लियरली समझो, मैंने बोला बायर से पूछ के ही करना है। नहीं सर, बायर भी अगर करता है तो फिर वहां पे ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं क्या, ये पूछ रहा हूँ सर। लगेगा तो मत करो, मैं आपको अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, मैनेज नहीं करना नहीं है तो नहीं वो बायर करता है, फिर ऊपर से ऑपरेशन हो सकता है, ये मैं पूछ रहा अल्टरनेट बनाओ ना, फिर प्रॉपर बनाओ, फिर जाने दो नॉर्मल तरीके से, जहां होगा वहां कर, जहां नहीं होगा वहां मत करो। मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि हमेशा करते बैठो, जहां पॉसिबल है वहां कर सकते हो, वहां मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो वो मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ इतना ही। ऐसा नहीं कि हर जगह ये तरीका काम कर जाएगा, बहुत जगह बायर नहीं मानेगा, बायर को तकलीफ करके काम नहीं करना। बोलिए सर। राजेश सर, सबका स्पेसिफिकेशन सेम रखना पड़ेगा या अलग नहीं, अलग? अलग अलग रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया, आप अपना यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिफिकेशन डाल दो ना, ओके। जैसा चाहिए वैसा यहाँ स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दो। जैसे विथ इंस्टॉलेशन है और हाँ, वो तो आप एटीसी में डालने का, हाँ एटीसी में डालना है उसको, वो एटीसी में डाल, यहाँ पे स्पेस हाइकर कैसा चाहिए वो ऐसा डाल दो। उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ लोड हाँ, होगा। थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन यहाँ डाल देने का, ताकि ओके मतलब टेंडर कोई ऑब्जेक्शन लिया भी तो कोई दूसरे ने, तो हम उसको बोल सकते हैं देखो मैंने यहाँ स्पेसिफिकेशन डाला है, और बाकी इसका पीडीएफ तो फाइल तो डाल ही रहे ना हम लोग। हाँ, पीडीएफ कैटलॉग को लोड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल अलग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का अलग अलग कैटलॉग लोड करना नहीं पड़ेगा नहीं या एक सबका साथ मिला के एक सिंगल पीडीएफ। एक सिंगल पीडीएफ बना देना? ओके हो गया, ये बन गया, अब इसको शेयर कर दे। मैं शेयर नहीं मतलब सेव करना है, सिर्फ सीएसबी फाइल में सेव करना पड़ता है इसको। देखो यहाँ पे मुझे, मेरे पास मैक की वजह से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसको सेव कर दो। कहाँ पे कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में BOQ 1 करके हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, अब इसको हम अपलोड कर देते हैं फाइल। अभी मेरा 5 आइटम का, मिनिमम 5 है, अब ज़्यादा भी कर सकते हो। हो गया ऐड आइटम। देखो द टाइटल 6 इज, टाइटल फील्ड 6 इज मैंडेटरी, 6 में नहीं डाला, 6 में तो डाला है। अच्छा, ये अलग से ले लिया, इसके वजह से ये फॉर्मेट बदल गया ना, इसलिए नहीं लिया इसलिए। सब ये भी एक दिक्कत होता है, सबका एक ही फॉर्मेट में फिल लेना पड़ेगा सर? इन्हें वो बड़ा फॉर्मेट है ना, वो सब ऐसा नहीं है वो। ये मुझे मैक में ये सब आता नहीं है ज्यादातर, तो फॉन्ट बदलना, इसलिए नहीं लिया। देखो फिर से स्पेस स्पेस दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पेस की वजह से ले रहा है, ले लेगा। देखो जहां जहां जैसा देना चाहते हो वैसे दे सकते हो। इसको फिर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, CSV सेव BOQ 1 BOQ 2
ठीक है, प्रोसीड टू चिकन। अब देखो यहाँ पे एक आइटम दिखा रहा है पर बाद में आगे जाके पांच आइटम में कन्वर्ट हो गया। पांच से ऊपर आप कितना भी ले सकते हो। ठीक है देखो पांच आइटम आ गया, सेव ऑल बीओक्यू आइटम, ओके कर दो, सेव हो गया, कंटिन्यू। सेम आगे वही प्रोसीजर आपका रिपीट होता जाएगा, तो ये आपका बीओक्यू बिट बन गया। क्लियर है, कोई डाउट्स है क्या इसमें बीओक्यू बिट में? हाँ एक नए चेंजेस आए हैं। बीओक्यू बिट बोल रहा है अभी 10 दिन के लिए डालने के लिए नहीं दे रहा है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अभी 21 दिन कर रहा है, बोल रहा है कि मिनिमम 21 डेज है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ मिनिमम 21 डेज हो गया। ये एक मैसेज आ रहा था ग्रुप में, ये नया अपडेट है, अब बीओक्यू बिट आप 10 दिन के लिए नहीं डाल सकते, मिनिमम 21 डेज लगेगा। ये एक आपके लिए थोड़ा तकलीफ देने वाली बात हो गई। ये सर्कुलर तो चेंज भी हो सकता है ना सर, हैं? टाइम टू टाइम चेंज होता है क्या सर्कुलर हाँ में? चेंज होता है ना, अभी तक पहले पहले 2 दिन के लिए भी पब्लिश होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी 2 दिन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में सब ये सब चेंज हो रहे हैं। अभी 10 दिन था, अभी 21 दिन हो गया, अब इसको 21 दिन से कम नहीं कर सकते। अभी ये नया अपडेट आया, 2 दिन पहले ही आया था, मैं बोला आप लोग क्लास जिस दिन करूंगा उसी दिन देखेंगे, तो ये अभी मिनिमम 21 डेज के लिए आ गया, उससे कम नहीं होगा। पहले ये 10 दिन था, देखो प्रोडक्ट बिल्ड में 10 दिन के लिए था। ठीक है क्लियर है यहाँ तक में? कोई डाउट्स है? तो इस तरीके से आप बाद में यदि कोई बिडर आ भी जाते हैं ये सब करने के बाद भी, तो आप एटीसी इतना स्ट्रांग करो कि मैं एटीसी में थोड़ा डिस्क्वालीफाई कर पाऊँ। और एक बात, ये तो बीओक्यू बिड में नहीं होगा, कस्टम बिड में आपको और एक तरीका बताऊंगा मैनेज करने का, यहाँ तक बीओक्यू बिड में, पर ये वो काम बीओक्यू बिड में नहीं करेगा, मैं एमएसएमई रिजर्व करूंगा और एज ए रीसेलर आपको टेंडर भरना भी सिखाऊंगा, इससे आपके थोड़े कंप्यूटर बाहर हो जाएंगे। बीओक्यू बिड में वो काम नहीं करेगा, पर वो कस्टम बिड में काम करेगा।